बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आज एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपको देने वाला हूं, और वो सरप्राइज ये है कि मेरे साथ यावर मंजूर जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके साथ बेटा कुछ सरप्राइजेस आपके सामने कुछ रिवील करने जा रहे हैं। तो यावर साहब आइए मेरे पास। तो ये यावर साहब है, तो यंग टैलेंटेड टीचर है। तो आप बेटा इनका सुनिएगा, अच्छी तरह से सुनिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो उस पर बेटा इंशाल्लाह आपको अमल भी करना पड़ेगा। थैंक यू यावर साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्टिंग विद द प्रेजेस ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, द माइटी एंड मैजेस्टिक, द लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, द किंग ऑफ द किंग्स एंड द मास्टर ऑफ द मास्टर्स। ओके, सो गाइस, माय नेम इज यावर मंजूर एंड आई टीच फिजिक्स। आई एम अ जेई फिजिक्स एक्सपर्ट एंड आई एम अ नीट फिजिक्स एक्सपर्ट एज वेल, एंड आई हैव टॉट इन मेनी कंपनीज लाइक अन अकेडमी, बायजूस, आकाश, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू एग्जैक्टली शेयर विद यू टुडे। अब क्या है वो एग्जैक्टली? सी, मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कश्मीरीज लैग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जेई या जेई एडवांस? कितने ही सिलेक्शन आते हैं हमें, नीट में थोड़ा सा बोलोगे सिलेक्शन आती है, हैव यू एवर कंपेयर्ड विद द अदर स्टेट्स, वहां पे कितना आता है? कुछ नहीं आता उनके मुकाबले में। एंड हैव यू एवर कंपेयर्ड जेई के कितने सिलेक्शन आते हैं? कुछ भी नहीं आते, मतलब बहुत ही कम आते हैं, एडवांस की तो बात ही छोड़ो। सो क्यों हम लैग कर जाते हैं? क्यों, मतलब एक स्टूडेंट, बाहर वाला स्टूडेंट 6 मंथ्स को प्रिपेयर करता है एंड उसने नीट क्रैक कर दिया, उसने जेई क्रैक कर दिया, एंड हम 3 साल से लगे हुए हैं, हमारा नहीं हो रहा है। कहां पे लैग कर जाते हैं? क्या कोई प्लानिंग है ऐसी कि जिसमें हम लैग कर जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं? भाई हम 3 साल से लगे, वो 6 मंथ्स में क्रैक कर लिया। क्या स्ट्रैटेजीज वो डिफरेंट फॉलो करते हैं, हम वो स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करते? सबसे पहले हमें ये नहीं पता होना है कि क्या छोड़ना है, सबसे पहले ये पता करो कि क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद ये पता करो कि क्या पढ़ना है। जब तुम्हें ये चीज पता लग जाएगा, उसके बाद एग्जाम में तुम्हारा वो प्रेशर नहीं बन जाएगा, भाई इसको छोड़ना है, इस वाले चैप्टर पे कितने टॉपिक्स है जो मेरे नीट में आ रहे हैं, ये छोड़ना है, इसको नहीं करना है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाली प्रॉब्लम को मुझे इस वाले मेथड से सॉल्व करना है, आधे घंटे से लगे हुए नहीं तब भी सॉल्व हो रहा है, फिर उसके बाद अगर दूसरा मेथड लगाओगे 5 सेकंड से सॉल्व होगा, ये तुम्हें पहले पता होना चाहिए। माइंड मैप पहले क्रिएट करके रखो कि इस चैप्टर में ये चीजें आने वाली है, एंड देन गो विद दैट। सो बेसिकली वी लैग इन प्लानिंग। हम बोलते इस टॉपर की स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा तो मैं भी टॉपर बन जाऊंगा, भाई उसको थोड़ी पता था इस वाली स्ट्रैटेजी से वो टॉपर बन जाएगा। सो दिस इज द हार्श रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स द रीजन वी पीपल लैग। ओके, सो नाउ we have basically something, is there a plan that we are coming up with? Jokya, that is a master of our all plans, that is a master of all courses, I would say, Jokya aaj tak kisi ne kashmir mein nahi kiya, even isko compare karke dekho baki state se, wahan pe kisi ne nahi kiya hai, india mein dekho kisi ne, matlab aisa wala course offline mein bilkul bhi nahi abhi tak aaya hoga। matlab kya koi aisa master plan hai jo hamari selection ko 6 months mein karega? बट तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए तब तुम लोगों की सिलेक्शन होगी, ऐसे ही नहीं। क्या कोई ऐसा प्लान है जो तुम लोगों को हेल्प करेगा रिवाइज एवरी सिंगल चैप्टर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, इन 6 मंथ्स में 4 बार तुम्हारा सिलेबस रिवीजन होगा? क्या पॉसिबल है ऑफलाइन में? 100% पॉसिबल है, एंड वी कैन मेक इट पॉसिबल। दिखाएंगे कि कैसे पॉसिबल होता है। 6 मंथ्स को पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, तब तक जब तक तुम्हारा एग्जाम होगा, तो खाली 6 मंथ्स का प्रिपरेशन नहीं होगा। सो क्या कोई ऐसा प्लान है जिसमें तुम लोगों को स्टडी प्लानर्स मिल जाएंगे, मतलब ऑनलाइन का फील तुम लोगों को ऑफलाइन मिल रहा है? क्या कोई ऐसा प्लान है जिसमें तुम लोगों को 1-on-1 डाउट क्लियरेंस मिल रहा है? तुम लोगों को क्लास में डाउट आया, उसी टाइम पे बाहर चले गए, ये डाउट क्लियर करके आ गए? क्या कोई ऐसा प्लान है जिसमें तुम लोगों को मॉक टेस्ट इंक्लूड किया जाएगा? मॉक टेस्ट है तो मतलब जेई का पूरा फील मिल जाएगा कि मतलब जेई के एग्जाम में बैठे हो, नीट का फील मिल जाएगा कि नीट के एग्जाम में बैठे हो, वैसे लेवल का मॉक टेस्ट होना चाहिए। क्या है कोई ऐसा कोर्स? क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसमें ला रहे हो टेस्ट एनालिसिस, वंस यू आर डन विद योर टेस्ट, उसके बाद अपने स्कोर्स लेके आओ, उसको एनालाइज करो, किस वाले पॉइंट पे आपने लैग किया तो उसको इंप्रोवाइज करो।
तो उसको बढ़ाओ ताकि नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर और ऊपर जाए, ताकि एक लेवल पे एक टाइम पे तुम्हारा स्कोर फुल नंबर आ जाएंगे। क्या ऐसा कोर्स है जिसमें ये वाले सारे फीचर्स होंगे दैट टू इन ऑफलाइन? डेफिनेटली यस, वी कैन मेक इट पॉसिबल। क्या कोई ऐसा कोर्स है जिसमें बेस्ट इन क्लास कंटेंट होगा? कंपेयर करके देख लेना बाकी बाहर वाले एजुकेटर्स के साथ कि कैसा कंटेंट होगा इस वाले कोर्स में। नेक्स्ट लेवल बेस्ट स्टडी मटेरियल। अब क्या है बेसिकली स्काई का प्लान? व्हाट इज द स्काई'स मास्टर प्लान? क्या ऐसा प्लान है, कैसे बेसिकली होने वाला? अब सबसे पहले देखो, अगर हम चैप्टर की बात करेंगे, जब भी टीचर चैप्टर स्टार्ट करेगा सबसे पहले तुम लोगों को ये चीज बताएगा, भाई इस वाले चैप्टर में से ये आ रहा है और ये तुम लोगों को छोड़ना है, ठीक है? ये क्लियर पहले ही होगा क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए इस वाले टॉपिक कितने पैटर्न्स बन रहे क्वेश्चंस के, और जो आए हैं अभी तक जिसके प्रोबेबिलिटी आने हैं, जिसके नहीं आने हैं उसको छोड़ दो, तुम लोगों को पहले ही बताएगा। एंड माइंड मैप, पहले ही पूरे चैप्टर का माइंड मैप दे देगा। इज इट पॉसिबल इन ऑफलाइन? डेफिनेटली यस। रेगुलर लेक्चर्स तुम लोग को मिल जाएंगे, मतलब तुम लोग क्लास में आ जाओ, पूरे रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करो, कितना और वो भी कितना रिक्वायर्ड कंटेंट में, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं, फुसफुस में टाइम वेस्ट करा रहे हैं। एंड उसके बाद क्या ये पॉसिबल है, वंस वी आर डन विद द रेगुलर लेक्चर्स उसके बाद वन शॉट लेके आओ? सर वन शॉट ऑफलाइन में क्या लॉ सकते हो? डेफिनेटली, तो मतलब वन शॉट को पॉसिबल कराएंगे। सर पूरी थ्योरी होगी क्या? पूरी थ्योरी होगी क्या? सर सारे प्रॉब्लम्स होंगे, मैंडेटरी क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, जो भी अभी तक आया है, जो भी आने वाला है उसके प्रोबेबिलिटी? यस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द मास्टर प्लान। ये गोल्डन प्लान, If you people follow this, definitely आपका डेडिकेशन अगर होगा 6 months में सिलेक्शन कंफर्म लिखवा के ले लो। नहीं पॉसिबल होगा मेरे को आके फिर फोन कर देना, सर आपने गलत बोला था। एंड उसका वन शॉट का अगर तुम लोग को नोट्स भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, अरे क्या ये सर पॉसिबल है? डेफिनेटली। ये चीजें तो हो गया एक बार दो बार, उसके बाद अगर उसके बाद 20 मिनट्स का रिवीजन उसी वाले चैप्टर पे होता, क्या सर इसको भी पॉसिबल करके दे सकते हो? डेफिनेटली यस। तो नोट्स भी इसके मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी, उसके बाद मैराथन सेशन आ गया, हो गया तीसरा रिवीजन, दिस इज द फोर्थ रिवीजन। जब 5 चैप्टर खत्म होंगे तो पूरा मैराथन सेशन ऑफ ऑल 5 चैप्टर्स इन वन सिंगल क्लास, एंड दैट टू इन ऑफलाइन। ऑफलाइन में ये हुआ, अरे मॉक टेस्ट लेके आप पूरे फील वाले मॉक टेस्ट, जैसे जेई में बैठ रहे हो। एंड एक सेशन तो ये होना ही चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड श्योर शॉट सेशन, एक बार वीक में, मतलब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 100% चांसेस आने के, जो मोस्ट रिपीटेड है, वो वाले पीवाईक्यूज है, इसका तो एक सेशन लिखे आओ वीक में, वो भी होगा। सर स्ट्रैटेजी सेशंस होंगे क्या? स्ट्रैटेजी की क्या फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हें सूट करती है, तुम्हें ये एक्सपीरियंस टीचर बताएगा, भाई तुम्हारे ऊपर ये वाली स्ट्रैटेजी नहीं, ये वाली स्ट्रैटेजी। भाई एवरेज स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज लेके पहुंचा, एवरेज स्टूडेंट को IIT लेके पहुंचा, दैट इज द, उसको बोलते हैं मतलब वो लेवल का काम करना। ये नहीं कि टॉपर तो खुद पहुंच जाता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट को तुम लोग उसकी दिशा मोड़नी होती है, उसको बेसिकली राइट ट्रैक पर, और फिर थोड़ा सा पुश करो थोड़े टाइम के लिए, फिर वो खुद चलने लगता है। दैट इज क्योंकि हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब हमें डायरेक्शन नहीं पता, स्ट्रैटेजी नहीं पता, प्लानिंग नहीं पता, तो कैसे होगा? तो ये वाले सारे कोर्स में, इस वाले कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है। तो MBBS डॉक्टर्स से हर मंथ तुम लोगों को बेसिकली स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, एंड टॉप एक्सपर्ट्स से टीचर्स मिल जाएंगी। वीकली स्केड्यूल्स, पहले ही तुम लोगों को इस चीज का पता है कि पूरे वीक में क्या पढ़ना है, ताकि पहले ही आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स है, इस चैप्टर इस वाले वीक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस डे पे क्या पढ़ना है। बेस्ट स्टडी मटीरियल मैं बोलूंगा, पूरे कंट्री का बेस्ट स्टडी मटीरियल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने बना है आपके लिए, टॉप नॉच कंटेंट होगा, इसको कंपेयर करके देख लेना, नहीं होगा तो बोल देना बाद में। बेसिक्स टू रिक्वायर्ड लेवल, ये बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्या हो जाता है, हम पढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा, बेसिक्स से हमें जाना है, कोई नीट का पार कर, नीट का लेवल पार कर जाता है, फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिर रह जाता है, फिर उसके मार्क्स नहीं आते। क्यों भाई? हमें उतना पढ़ना है जितना हमें आना है, जेई के लिए हमें उतना पढ़ना है जितना हमें मेंस के लिए, जितना हमें आना है एडवांस के लिए, उस एडवांस लेवल तक लेके जाओ, जो नीट है उसको रिक्वायर्ड लेवल तक लेके जाओ, सिंपल। अब वन ऑन वन डाउट सेशन, जिसको प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा, आ जाओ, डाउट सॉल्व करेंगे। मैंडेटरी क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी टॉपिक, हर टॉपिक से आपको मैंडेटरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि इस वाले टॉपिक से इतने नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बनते हैं, इस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चंस आए हैं, इनके चांसेस है, किसके चांसेस नहीं है, पहले ही मिल जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप,
टीचर्स के द्वारा एंड द अदर पीपल जो आपके लिए रखे हैं इसके लिए. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे क्योंकि नीट में तो इट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, तो लाइन बाय लाइन होगा. नीट के एनसीईआरटी के प्लानर्स पीवाईक्यू सब हो गए. ओके, एंड अब जो स्टूडेंट्स डेडिकेटेड नहीं है डेफिनेटली पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. नाउ यहां पे दो चीज है. अब देखो, एक तो होता है एवरेज स्टूडेंट, दूसरा होता है कि टॉपर. ठीक है, अब टॉपर तो ऑलरेडी स्ट्रेट पाथ पे होता है, इसको थोड़ा सा पुश करो ये फिर खुद ही चलने लगता है. एवरेज स्टूडेंट जो होता है, इससे पहले भी मैंने बोला, इसकी डायरेक्शन मोड नहीं होती, इसको लेके आना होता है ट्रैक पे. जैसे मैंने बोला, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उससे नहीं हो रहा, 8 मिनट लग रहे, 10 मिनट लग रहे, उसको बोलो मैथड बदले. सब्जेक्ट नहीं बदलना है, सब्जेक्ट आ रहा है एग्जाम में, लेकिन मेथड को जब वो बदलेगा तभी वो क्वेश्चन भाई सेकंड्स में होगा. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आई कैन गिव कि जिसमें मेथड बदल के तुम लोगों को क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व. जब तक तुम लोगों को ये वाली चीजें पता नहीं होगी, नीट क्रैक करना, जेई क्रैक कर पाना, दिस इज इम्पॉसिबल. सो दिस इज वेयर वी लैग एंड दिस इज द बेसिकली प्लान दैट वी आर कमिंग अप विथ. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.